हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 10 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 टू पार्ट 9 बनाए थे। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट 1 टू पार्ट 9 वीडियो लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च है क्या? देखिए, मार्केटिंग रिसर्च मार्केटिंग से रिलेटेड समस्याओं के समाधान के लिए डाटा के कलेक्शन यानी कि आंकड़ों के संग्रहण, उन्हें रिकॉर्ड करने रिकॉर्डिंग, उनका विश्लेषण करने यानी कि एनालाइजेशन, और उनका निष्कर्ष निकालने यानी कि इंटरप्रिटेशन से संबंधित एक सिस्टमैटिक मेथड है। मार्केटिंग रिसर्च की सहायता से एक मार्केटर जो है वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो ले सकता है। जैसे नए किसी नए विदेशी बाज़ार में उसको प्रवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं, उन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में से अगर कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं चल रहा है तो क्या उसको लीव आउट कर देना चाहिए यानी कि उसको अपनी प्रोडक्ट लाइन से हटा देना चाहिए। इसके अलावा क्या उसको कोई नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज़ करने चाहिए, उनका सेलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है या डिफरेंट जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनसे रिलेटेड किस टाइप की उसको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ये सब मार्केट रिसर्च के अंदर एनालाइजेशन किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। देखिए, स्कोप के अंदर सबसे पहला आता है आपका कंज्यूमर रिसर्च। देखिए, कंज्यूमर रिसर्च है क्या? कोई भी कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट जो बनाती है वो उसका मेन जो ओरिएंटेशन होता है यानी कि मेन उसका जो गोल पॉइंट होता है वो उसका कंज्यूमर होता है। तो इसमें कंज्यूमर रिसर्च के अंदर जो है कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड जो डिफरेंट पहलू हैं, उससे संबंधित जो विभिन्न पहलू हैं, से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है। जैसे उसकी कंज्यूमर की क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसकी क्या प्राथमिकता यानी कि प्रेफरेंसेस हैं, क्रय उद्देश्य यानी कि उसका परचेज मोटो क्या है, उसका इनकम लेवल यानी कि आय का स्तर क्या है, उसका एजुकेशन लेवल यानी कि शिक्षा का स्तर क्या है, उसकी परचेज क्वांटिटी यानी कि कितनी मात्रा में वो क्रय करता है, उसकी परचेज फ्रिक्वेंसी यानी कि वो कितनी बार बार परचेज करता है, एक महीने में कितनी बार परचेज करता है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके लिए उसके क्या उसके सुझाव हैं, क्या उसकी शिकायत है, या उसके प्रति जो है उसका संतुष्टि का जो लेवल है वो क्या है, ये सब जानकारी हम कंज्यूमर रिसर्च के अंदर एकत्रित करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सेकेंड आता है आपका मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च के अंतर्गत जो है देखा जाता है कि जो जो विभिन्न भौगोलिक बाजार क्षेत्र हैं उनकी विक्रय क्षमता से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है, यानी कि जो डिफरेंट मार्केट्स हैं वर्ल्ड में उनकी क्या जो है सेलिंग कैपेसिटी है। अब जो बाजार अनुसंधान से संबंधित जो आंकड़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? इससे जो है एक मार्केटर जो है स्ट्रॉन्ग और वीक मार्केट की पहचान कर सकता है कि कौन कौन सी मार्केट स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन की मार्केट वीक है, जहाँ पर उसको अवॉइड करना चाहिए बिजनेस को एंटर करने से। इसके अलावा मार्केट रिसर्च के जो डाटा हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये तय करने में कि हमें कौन सा विक्रय क्षेत्र अपनाना चाहिए और कितना वहाँ का विक्रय कोटा तय करना चाहिए। विक्रय क्षेत्र से अभिप्राय है कि क्योंकि किसी भी मार्केटर के पास पॉसिबल नहीं है कि वो एक साथ कई कंट्री में अपना बिजनेस फैला सके, तो वो चूज़ करता है कि कहाँ पर मार्केट पोटेंशियल ज़्यादा है, कहाँ उसकी विक्रय क्षमता ज़्यादा है, ज़्यादा बिक्री हो सकती है, तो उन मार्केट को चूज़ करता है। और इसके अलावा वहाँ पर मार्केट कोटा भी डिसाइड करता है कि कितनी उसको अपनी क्वांटिटी बेचनी है। इसके अलावा जो मार्केटिंग रिसर्च है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है एक मार्केटर को उसके जो सेल्स फोरकास्ट करने में कि फ्यूचर में उसको कितनी सेल्स मिलेगी पर्टिकुलर मार्केट से या पर्टिकुलर कंट्री से। थर्ड आता है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च के अंतर्गत जो है हम प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट के संबंधित जितनी भी उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, से संबंधित जैसे उसका रंग रूप आकार डिजाइन पैकेजिंग लेबलिंग, इनसे संबंधित जानकारी एकत्रित करते हैं। इसके अलावा हम जो प्रोडक्ट रिसर्च के अंतर्गत
जो कंपटीटर है उसके प्रोडक्ट से संबंधित भी जानकारी एकत्रित करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि इससे मार्केटर जो है, विपणनकर्ता जो है, वो अपने प्रोडक्ट की जो है कंपैरिजन अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से कर सकता है। इससे इस जो इस कंपैरिजन का फ़ायदा क्या होता है, इससे वो जान सकता है कि उसके अपने प्रोडक्ट की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और इसको जानने के बाद वो अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें जो भी नेसेसिटी ज़रूरतें हैं, जो भी मॉडिफिकेशन की नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई आसानी से कर सकता है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है? देखिए, सूचना एक ऐसा संदेश है जिसे आंकड़ों को एकत्रित, संगठित एवं विश्लेषित करके, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा करके सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए संप्रेषित किया जाता है। यानी कि जब बेसिक इसका मोटिव होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन गेट कर रहा है उसकी नॉलेज को इंक्रीज करना होता है, इसको इस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है जिससे कि इसको रिसीव करने वाले की नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो। सूचनाओं को कहाँ से हम एकत्रित कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन को हम एकत्रित कर सकते हैं न्यूज़पेपर से, समाचार पत्रों से, एक्सपीरियंस से, अनुभव से, या सर्वे यानी कि सर्वेक्षण वगैरह से, इनसे एकत्रित किया जा सकता है। ध्यान रहे, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि इन्फॉर्मेशन और डाटा दोनों एक चीज़ है, यानी कि सूचना और आंकड़े दोनों एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूचना आंकड़ों से भिन्न होती है, उससे अलग होती है, क्योंकि आंकड़ों यानी कि डाटा के अंदर उन्हीं तथ्यों को शामिल किया जाता है जिनका सांख्यिकी विश्लेषण किया जा सके। यानी कि डाटा में हम उन्हीं इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं जिनका स्टैटिकल एनालाइजेशन हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना में उन सभी तथ्यों को शामिल किया जाता है जो अर्थपूर्ण हो एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावी हो। यानी कि वो काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो खाली डाटा स्टैटिकल वे में नहीं होती, उनका कुछ मीनिंगफुल होता है, यानी कि उनसे कोई मीनिंग्स निकाला जा सकता है और वो डिसीजन लेने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और जो इन्फॉर्मेशन से जो है, जो इन्फॉर्मेशन गेट करने वाला है, यानी कि सूचना से जो सूचना प्राप्त करने वाला है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। जो सूचना है वो सही, उचित, सामयिक एवं उपयोगी होनी चाहिए, और सूचना को इस प्रकार से, इस ढंग से संप्रेषित किया जाना चाहिए जिससे कि सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके और उसका सही अर्थ निकाल सके। क्योंकि अगर आपने इन्फॉर्मेशन को इस वे में कम्युनिकेट किया जिससे कि इन्फॉर्मेशन गेट करने वाला है वो उसको समझ नहीं पाया, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, या उसका उस वे में मीनिंग नहीं निकाल पाया जिस वे में जो सेंडर है वो इन्फॉर्मेशन को भेजना चाहता था, तो जो इन्फॉर्मेशन का जो पर्पज़ है वो यूज़लेस हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन इस तरीके से कम्युनिकेट की जाए जिससे कि जो रिसीवर है वो इन्फॉर्मेशन को उसी वे में गेट कर सके, उसी वे में अंडरस्टैंड कर सके जिस वे में सेंडर उसको इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता था। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब डिस्कस करते हैं इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग एरियाज, कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है और किन किन चीज़ों के बारे में ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट पोटेंशियल। मार्केट पोटेंशियल के मतलब से हमारा अभिप्राय है कि हमें कोई भी जो मार्केटर है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को चूज़ करने लगता है तो उनकी जो चुनते समय ये देखता है कि उसकी जो विक्रय क्षमता है वो कितनी है। विक्रय क्षमता से मतलब है कि वहाँ पर जो उसकी जो प्रोस्पेक्टिव डिमांड होगी, उसके प्रोडक्ट की जो प्रोस्पेक्टिव डिमांड होगी वो कितनी होगी, क्योंकि मकसद तो उसका यही है कि उस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को बेच सके, तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी हो जाता है उस कंट्री में उसके प्रोस्पेक्टिव डिमांड को एनालाइज़ करना। अब ये प्रोस्पेक्टिव जो डिमांड है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले डिपेंड करती है कि उस मार्केट के अंदर यानी कि उस कंट्री के अंदर जो GDP ग्रोथ रेट है वो कैसी है, पर कैपिटा इनकम है वो कैसी है, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वो कैसी है, वहाँ का जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो कैसा है, और जो कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है वो कितनी है। तो इन सब डाटा की उसको ज़रूरत होती है और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करनी होती है। सेकंड आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपटीटर्स। ध्यान रहे, जो एक जो इंटरनेशनल मार्केटर होता है, इनकी जो एक ग्लोबल बिजनेस यूनिट होती है, उसको अपने कंपटीटर के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेट करनी पड़ती है जिससे कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल ऑफ कंपटीशन के बारे में जान सके कि कितना इस टाइम
कंपटीशन है उस कंट्री में जिस कंट्री में वो प्रवेश करने जा रहा है, इसके अलावा जो उसका कंपटीटर है वो किस टाइप के प्रोडक्ट बना रहा है, उसके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, उसके प्रोडक्ट की वीकनेस क्या है, इसके अलावा उसके जो कंपटीटर है वो किस टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है उसके बारे में जानना चाहता है, क्योंकि इन इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही वो अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन कर सकता है, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंगली ला सकता है, ताकि वो अपने जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है उस कंपटीशन का वो आसानी से फेस कर सके, उसको आसानी से सामना कर सके। थर्ड आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर। नेक्स्ट जो होता है जो कस्टमर है उसके बारे में भी उसको इन्फॉर्मेशन गेट करनी होती है। अब ये कस्टमर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के लिए बनाया जा रहा है। इस इन्फॉर्मेशन में जस्ट लाइक कस्टमर की जो क्या उसकी पसंद है, क्या उसकी नापसंद है, उसकी क्या प्रेफरेंसेस है, उसका क्या टेस्ट है, इसके अलावा उसके जो इनकम का लेवल क्या है, उसका एजुकेशन का लेवल क्या है, उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, वो परचेज़ कितनी क्वांटिटी में करता है, परचेज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन गेट करनी ज़रूरी होती है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द यूटिलिटी ऑफ मार्केटिंग रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें जो है मार्केटर को कई सारे जो है डिसीजन लेने होते हैं, तो उसमें डिसीजन लेने में जो मार्केटिंग रिसर्च है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। सबसे पहला जो डिसीजन होता है वो होता है डिसाइड द कंट्री लोकेशन। अब ये कंट्री लोकेशन से क्या मतलब है, हर एक जो ग्लोबल बिजनेस यूनिट है वो ऐसी कंट्री को चूज़ करना चाहती है एक बिजनेस हब बनाने के लिए, जहाँ उसका वो प्रोडक्शन बेस भी बन सके एज वेल एज मार्केटिंग बेस भी बन सके। प्रोडक्शन बेस और मार्केटिंग बेस के लिए ज़रूरी हो जाता है कि कुछ फैक्टर्स को एनालाइज़ करना, कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल एंड अनस्किल लेबर कितनी है, लेबर की कॉस्ट कितनी है, वहाँ पर जो टैरिफ रेट्स है वो क्या है, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है उसका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके प्रति कैसा एटीट्यूड है, यानी कि हो सकता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रति काफ़ी पॉजिटिव हो और उनको काफ़ी इंसेंटिव प्रोवाइड करती हो, तो ऐसी कंट्री काफ़ी हेल्पफुल होती है एज ए मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन हब बनाने के लिए। सेकेंड आता है टू डिसाइड द मोड ऑफ एंट्री। ध्यान रहे जो इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के कई मोड्स हैं, और वो हर एक मोड्स का जो है ज़रूरी नहीं है कि हर एक मोड्स हर एक कंट्री में एंट्री करने के लिए सेम यूज़फुल होता है, तो ये डिफरेंट मोड्स जो है डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करते हैं। जो मेन जो मोड्स हैं वो है ट्रेड रूट यानी कि व्यापार रूट, इन्वेस्टमेंट रूट यानी कि निवेश रूट, मर्जर एंड एक्विजिशन, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक अलायंस, कॉन्ट्रेक्चुअल रूट, ये जो स्पेशल मेन रूट्स हैं जिनके द्वारा जो है एक बिजनेस ग्लोबल बिजनेस यूनिट एक दूसरी कंट्री में एंट्री करती है। तो इन सब के अपने अपने फ़ायदे हैं, इन सब के अपने अपने नुकसान हैं, तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक बिजनेस ग्लोबल बिजनेस यूनिट उससे इन सब से रिलेटेड जो है वो डाटा को कलेक्ट करे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे और उसको एनालाइज़ करे और उसके बेस पे डिसाइड करे कि वो किस मेथड को यूज़ करे दूसरी कंट्री में एंट्री करने के लिए। तीसरा आता है टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। एक ग्लोबल बिजनेस यूनिट के लिए ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा डिसाइड करना पड़ता है। जहाँ तक सवाल है स्टैंडर्डाइजेशन का, स्टैंडर्डाइजेशन में जो एक ग्लोबल बिजनेस यूनिट है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक जैसी प्रोडक्शन करती है, यानी कि एक जैसा प्रोडक्ट बनाती है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करती, करती भी है तो बहुत स्मॉलर मॉडिफिकेशन करती है जो कि नेगोशिएबल है, जिसको हम ना के बराबर कह सकते हैं। तो ऐसी जो है बिजनेस यूनिट जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक जैसा प्रोडक्ट बनाती है। दूसरी ओर कस्टमाइजेशन में क्या है कि अलग अलग कंट्री के जो कंज्यूमर होते हैं उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाता है, यानी कि उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो एक ग्लोबल बिजनेस को ये तय करना होता है कि क्या उसको प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन करना है या कस्टमाइजेशन करना है। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या डाटा बहुत ज़रूरी हो जाता है एक इंटरनेशनल मार्केटर के लिए उसको एनालाइज़ करना, जिससे कि वो तय कर सके कि उसे स्टैंडर्डाइजेशन रूट से जाना चाहिए या कस्टमाइजेशन रूट से जाना चाहिए, कि जिसमें उसको बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे, कॉस्ट कम आएगी, उसी रूट को वो अपनाएगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। बेसिक टू सोर्सेज हैं, एक है प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में एक कंपनी जो है तब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है
जब उसको सेकेंडरी सोर्स से आसानी से डाटा नहीं मिलता या जो डाटा मिलता है वो इनसफिशिएंट होता है, अपर्याप्त होता है, इसके अलावा या उसकी एक्यूरेसी पे डाउट होता है, या वो डाटा इतना ओल्ड होता है कि आज के जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना काफ़ी यूज़फुल नहीं होता, तो ऐसे केस में जो है कंपनियाँ फिर क्या करती हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करती हैं। प्राइमरी डाटा जो है वो फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया जाता है कंपनी के द्वारा। जो है जनरली जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो मार्केट सर्वे, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट या इंडिविजुअल इंटरव्यू, इनके द्वारा डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। जो इसका जो फ़ायदा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डाटा जो है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है, वो कस्टमाइज होता है कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा डाटा जो है वो टाइमली होता है, क्योंकि वो रिसेंट गेट किया गया है, इसलिए उसकी डाटा की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि इस डाटा को कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ता है, इसके अलावा टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। छोटी फर्म्स के लिए प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। प्राइमरी डाटा तभी कलेक्ट करना चाहिए जब सेकेंडरी डाटा या तो अनअवेलेबल हो या फिर उसकी जो यूज़फुलनेस है वो प्रोडक्ट की नीड के अकॉर्डिंग ना हो। इसी केस में हम प्राइमरी डाटा यूज़ करते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी सोर्सेज वो डाटा होते हैं जो पहले से ऑलरेडी पब्लिश है, यानी कि जो डाटा पहले से ही अवेलेबल है। अब ये पब्लिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा भी हो सकता है, किसी ट्रेड या फर्म के द्वारा पब्लिश हो सकता है, किसी एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश हो सकता है, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश हो सकता है। तो यानी कि जो डाटा ऑलरेडी पब्लिश है, ऑलरेडी कलेक्टेड है, हमें केवल उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करना होता है। जो सेकेंडरी डाटा के भी जो वेज हैं उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है आपका इंटरनेशनल पब्लिकेशन। बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स हैं जो टाइम टू टाइम डाटा पब्लिश करती रहती हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अंगटार हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स, जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये टाइम टू टाइम इंटरनेशनल डाटा पब्लिश करते रहते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशंस, इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन में जस्ट लाइक इन इंडिया में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की डायरेक्टरी हो गई, या पब्लिकेशन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ कंपनी, जो हर कंपनी है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट्स हर वक्त पब्लिश करती है, इवन अपनी वेबसाइट पे भी उसको डाटा को रख सकती है, या किसी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से भी हम कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर भी डाटा का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। जो कुछ फेमस न्यूज़पेपर जस्ट लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इसके अलावा जो मैगजीन्स एंड जर्नल्स हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होती हैं सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने में, जस्ट लाइक बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। तो ये सारे सोर्सेज हैं सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने में। जो एक बिजनेसमैन है वो कहीं से भी डाटा कलेक्ट कर सकता है। डाटा के इम्पोर्टेंस किस सोर्स से कलेक्ट किया गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, डाटा किस रेफरेंस में कलेक्ट किया जा रहा है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, वो उसकी टाइमलेस जो टाइमली है वो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं बहुत मैटरफुल होते हैं। इसके बेस पे डाटा को कलेक्ट किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, न केवल अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ शेयर करिए बल्कि अदर कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी क्वेरीज को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जा सके। थैंक यू।